नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन डाला। अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव आया था, लेकिन माइक की प्रॉब्लम की वजह से शायद मेरी आवाज आप तक साफ नहीं पहुंच पा रही थी। और उम्मीद करता हूं कि जो मेरी अब आवाज है वो आप तक साफ आ रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इतनी देर आप एक दो लोग जुड़े, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक दो जगह शेयर करें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये रोड न्यूज चैनल है ये ब्लॉक है, और ब्लॉक होने की वजह से इसकी रीच बहुत कम है। हो सकता है जितना शेयर आप कर सकें इसके आप शेयर जरूर कर दें दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मैं एक बहुत ही जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करेंगे ताकि लोगों तक बात पहुंच सके, क्योंकि इसका जो रीच है वो इसकी रीच जो है जो हमारा कचलाड़ी वाला एक इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से काफी कम है। तो एक ऐसी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों का सहयोग भी जरूरी है और आप लोगों की मदद भी जरूरी है। 1 मिनट का समय दें दोस्तों मेरे को, सिर्फ आप 1 मिनट का समय दें। जी, चलिए दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों 15 अगस्त की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और जिस तरह से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं इसी तरह से भारतवर्ष का भी एक ये जन्मदिन है, और हम हमेशा मनाते आ रहे हैं। हमारी हर धर्मशालाओं पर, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे पंचकुला हो, इस दिन ध्वज फहराया जाता है। और लेकिन इस बार आप लोगों के सहयोग से, कुछ लोगों की जानकारी से, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने एक हमें वो दिया कि इस बार जो हमारे समाज के वीर सैनिक हैं, जो वीरगति को प्राप्त हैं या किसी इंसिडेंट की वजह से उनको नुकसान हुआ है, या जो ऑलरेडी हमारे समाज से सर्विंग ऑफिसर्स हैं, क्यों ना उनका सम्मान किया जाए। तो एक बहुत अच्छा सम्मान समारोह करने की सोच रहे हैं दोस्तों। अभी फाइनल नहीं है बट करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये फाइनल तभी हो सकता है जब आप लोगों का सहयोग हो। दोस्तों मैं दो चीजें कहना आप लोगों के साथ चाहता हूँ, दो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि चैनल पर व्यू नहीं आ रहे, चैनल ब्लॉक है और इसमें 3 महीने लगेंगे, और अगर जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप ग्रुप ग्रुप के बजाय उस व्यक्ति की टाइमलाइन पर इसको शेयर करें जिस व्यक्ति को इसका फायदा हो। जैसे दोस्तों कुछ हमारी जानकारी में है कि जाने गांव से, डिंगर माजरा गांव से, सीकरी गांव से, अहर गांव से, और अहर गांव से और भी हैं, और बहुत सारे गांव से जो हमारे वीर सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं शहीद भी हुए हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं। और कोई हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की जो एक पर्सनल सिक्योरिटी होती है उसके अंदर भी हमारे आर्मी ऑफिसर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन सबकी जानकारी हमारे पास नहीं है जिसको हम साझा नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम एक बहुत अच्छा ग्रेसफुल प्रोग्राम हो, और 15 अगस्त का दिन कम से कम एक यादगार दिन बने। सुबह झंडा फहराया जाएगा, उसके बाद इन लोगों को सम्मान किया जाएगा, और उसके बाद लंच का प्रोग्राम होगा, और बहुत सारी हमने सांस्कृतिक चीजें और बहुत कुछ सोचा हुआ है, और एक ग्रेसफुल प्रोग्राम बनाने की इसके बारे में सोच रहे हैं। शायद इससे पहला कोई ऐसा प्रोग्राम रोड समाज के अंदर नहीं हुआ जिस तरह का ये प्रोग्राम आपके सहयोग से हम करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप सब लोग मिलकर, जो भी आपके गांव में कोई ऐसा परिवार हो जो कैजुअलिटी में या किसी भी तरह से सेना में हो, उच्च पद पर हो, आप उस तक ये जानकारी जरूर भेजें,
और ताकि वो 15 अगस्त के लिए इनवाइट किया जा सके। और जो इस प्रोग्राम के हमारे जो स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप उठाने की बात किया है, वो है मेडलाइन हॉस्पिटल करनाल, डॉक्टर कुमार वैभव सगवाल। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि मान लीजिए आपके गांव से कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेना में है या किसी भी कैटेगरी में आता है, आप लोग मिलजुल उसका सहयोग करें। और हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा, चाहे वो विदेश में रहता हो, चाहे यहाँ पर रहता हो, कोई समाज सेवी संस्था हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, कोई इंडस्ट्री का मालिक हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमारा रोड समाज कहीं ना कहीं तरक्की की ओर है, आप सब लोग इस काम के लिए बगैर बुलाए कहीं ना कहीं आगे आए। और आप इस चीज के लिए मुझे मेरे मोबाइल नंबर 8929422022 पर चौधरी नसीब सिंह कारसा जी को, एडवोकेट अंशुल चौधरी जी को, और डॉक्टर कुमार वैभव सगवाल जी को, या वीर सीकरी को, या जिस जो भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं, उन सब में से किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक तो नाम दें और एक कुछ ना कुछ धनराशि उन परिवारों के लिए जरूर इकट्ठी कर दें, ताकि आपके नाम से आपके परिवार के लोग आके, आपके परिजन आके वहां पर उनको सम्मानित कर सकें। दोस्तों बहुत बात छोटी लग सकती है आपको, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, एक ये माइलस्टोन होगा, एक एक ऐसी चीज होगी जो समाज में पहले नहीं हुई, और समाज में ऐसी चीजों का लगातार होना कहीं ना कहीं जरूरी है। बहुत ही एक अच्छा दिन है, जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था, और उसकी एक हम सालगिरह हमेशा सरकार भी मनाती है, हर वो एक इंस्टीट्यूट, हर एक वो एनजीओ कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करता है, गांव में हमारे सरपंच साहिबान भी मनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि रोड समाज की तरफ से एक इस तरह का एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए, जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को अब देखे, बाद में देखे, एक तो आपसे हाथ जोड़कर दोबारा से प्रार्थना करता हूँ कि ये चैनल ब्लॉक है, इसकी रीच 0 है, 200-250 पर व्यू नहीं जाते, क्योंकि फेसबुक ने रीच, जो कतलाडी का इंसिडेंट हुआ था उसमें कुछ ऐसी गलत चीजें जो कि अगेंस्ट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ फेसबुक जाती हैं, उसकी वजह से हुआ। तो इस चैनल को तो चलने में 3 महीने लगेंगे, लेकिन हमारा इस चैनल से मतलब नहीं है, हमारा आप लोगों से मतलब है। तो जो भी भाई विदेश में रहते हो, यहाँ रहते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सामाजिक हो, नौकरी पेशा हो, वो दिल खोलकर इस मामले में दान दें, और खुद फोन कर कर हमें बुलाएं, और अपने गांव के किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दें जिसको हम वहां पर इनवाइट कर सकें। तो दोस्तों अभी ये इस प्रोग्राम की रूपरेखा चल रही है, अभी ये प्रोग्राम फाइनलाइज नहीं है, ये प्रोग्राम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर सहयोग करेंगे, आपका अगर सहयोग रहेगा, तो इस प्रोग्राम को हम इस तरह से एक भव्य प्रोग्राम बनाएंगे कि आपको भी गर्व होगा, उस शहीद परिवार को भी गर्व होगा, उस सर्विंग ऑफिसर को भी गर्व होगा जो कहीं ना कहीं सेना में रह के भारत माता की रक्षा में कार्यरत है। तो दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत एक छोटी सी बात थी, और उम्मीद करता हूँ आप इसको मन से लेंगे, और इसको जितना ज्यादा हो सके दोस्तों विदाउट कंजूसी के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़िए दोस्तों, जिस भी गांव से ऐसे आप किसी व्यक्ति को जानते हो, उसका मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दें, उनके बारे में जानकारी दें, हम उनको कॉन्टेक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ सहयोग राशि उस परिवार के लिए, चाहे वो 1100 हो, चाहे वो 2100 हो, चाहे वो 21,000 हो, चाहे वो 51,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, आप भी जिस तरह से हमने प्रगट सिंह जी का सम्मानित किया था, और जिस तरह से और भी बहुत सारे भाई आए थे, हमने उनको मना कर दिया था उस समय, तो मनीष मुन्ना रेड्डी ने 51,000 रुपए का योगदान दिया था, जो कि समाज में बहुत समय तक याद किया जाता रहेगा, और एक अच्छी पहल है, और इस पहल को हमें चलाना चाहिए। और ये जो प्रोग्राम है, ये पहली बार हम करने जा रहे हैं, अपने वीर सैनिकों का, अपने उन शहीदों का, और अपने उन सर्विंग ऑफिसर्स का सम्मान करना हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात होगी, आपके लिए बड़ी भी सौभाग्य की बात होगी। तो इस विषय में जितना हो सके दिल खोल के आप इस वीडियो को भी शेयर करें, हमें जानकारी भी दें, और आर्थिक सहयोग जरूर करें दोस्तों, जितना आप आर्थिक सहयोग करेंगे, क्योंकि महासभा के फंड से इसमें पैसा नहीं जाएगा, ये एक तरह का आप लोगों का अपना कार्यक्रम है, आपका अपना पर्सनल कार्यक्रम है, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें दिल खोलकर दोस्तों दान दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, कल भी मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप सही में समाज हितैषी हैं, समाज के बारे में सोचते हैं,
और चाहते हैं कि समाज आगे जाए, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें दोस्तों, उतना लाइक करें और उन लोगों तक इस वीडियो को, चाहे वो व्हाट्सएप से हो चाहे फेसबुक से हो, पहुंचाने की जरूर कोशिश करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद भी उपेक्षित है। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ, जितनी भी आप मदद करेंगे, आपके गरीब गांव का जो भी व्यक्ति वहां पर आएगा, आपके परिजनों से ही हम उनको सम्मानित करवाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ओम तत्सत।